तुझे क्या लगता है, ये हम कर रहे हैं? तुम्हारी, मेरी, हमारी, आपकी, हम सब की कहानी लिखी हुई है। कभी कभी तो लगता है कि हम ऊपर से अपनी कहानियां लिखवा के आए हैं, क्योंकि हम लाख कोशिश कर लें, हम जितनी भी कोशिश कर लें, अपने तरफ से जितना भी कंट्रोल अपने हाथ में लेते हैं, होना तो एक्चुअली वही होता है जो होना है या जो लिखा है। एज एन एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म गाय और एज अ मूवी रिव्यूअर, एज अ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट रिव्यूअर, मेरा ये हक बनता है कि मैं उन सारी चीज़ों के बारे में बात करूं जो कि अननोटिस्ड और अनएंटरटेन्ड गई, या लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया जब वो आई और फिर वो निकल गई, उनका टाइम निकल गया और उनको इस तरह का रिकॉग्निशन नहीं मिला और वो काफ़ी अंडररेटेड हो गई, फिर बाद में उनकी एक कल्ट ऑडियंस डेवलप हुई। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी ही मूवी के बारे में जिसका नाम है लैला मजनू, जो कि 2018 में आई थी, डायरेक्टेड बाय साजिद अली, जो कि इम्तियाज अली के भाई हैं, एंड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय शोभा कपूर एंड एकता कपूर अंडर द बैनर ऑफ बालाजी टेलीफिल्म्स। एंड माइंड इट, इतना ज्यादा ओल्ड बालाजी कंटेंट के बाद मैं रियली शॉक्ड हूँ कि इन लोग ने इतना साफ सुथरा कंटेंट कैसे बना दिया। यू नो, एकता कपूर की फैमिली से ये मूवी आई है, उनकी फैमिली ने प्रोड्यूस की है, एंड नॉट इवन अ वन सिंगल किसिंग सीन और अ लिप लॉक सीन और एन एक्सप्लिसिट सीन। और जो गालियां भी अगर लैला दे रही है तो वो बीप से और ऑडियंस को सुनाई नहीं दे रहा, ये कैसे हो गया? सो ये कुछ था सिनेरियो। ये मूवी मैंने अपने दोस्तों के रिकमेंडेशंस पे देखी है, मेरे दोस्त मुझे बहुत रिकमेंड कर रहे थे इस मूवी को देखने के लिए, एंड माइंड इट, अगर मेरे दोस्त ये वीडियो देख रहे हैं देन दिस वीडियो इज बिकॉज ऑफ यू गाइज। और डेफिनेटली जब मैंने ये मूवी देख ली है, आई एम इन ऑ ऑफ इट एंड आई रियली लव इट, एंड आई वुड रियली रिकमेंड एवरीवन टू वॉच दिस मूवी बिकॉज दिस मूवी वॉज क्रेजी इनसेन। सो ये मूवी की मैं पहले स्टोरी डिस्कस करना चाहूंगा कि वैसे तो ये एक नॉर्मल मूवी की कहानी है, जस्ट लाइक अ रोमियो जूलियट, एक नॉर्मल इनोसेंट सी लड़की, स्कूल गोइंग लड़की जो कि काफी चिल है अपने लाइफ में और थोड़ी सी फ्लर्ट टाइप की दिखाई गई है। वो अवेयर है कि लड़के उसके पीछे पड़ते हैं, यू नो, वो अवेयर है कि लड़के उसके पीछे लाइन मारते हैं, सो दैट्स वाई शी ड्रेस गुड एंड यू नो काफी लिपस्टिक एंड मेकअप एंड ऑन। और लड़का जो है वो भी एक अमीर बाप का लड़का है और वो काफी चिल है अपने लाइफ में और वो अपनी गाड़ी से घूमता रहता है, यू नो, और क्वाइट ऑफ उसकी जो इमेज है वो थोड़ी अच्छी नहीं है, लाइक प्ले बॉय टाइप की इमेज है, बट ये रियलिटी नहीं होती क्योंकि यू नो रूमर्स ज्यादा स्प्रेड होते रहते हैं। और टिपिकल कहानी यही है कि इनकी जो फैमिली है वो किसी लैंड डिस्प्यूट के वजह से एक दूसरे की दुश्मन है और एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहती। लड़के के जो पापा हैं वो कोई होटेलियर हैं और बहुत फेमस है, बहुत रिच है, वो किसी लैंड को गवर्नमेंट से उन्होंने परचेस की है और वो जो जमीन है वो एक्चुअली लड़की के पापा की है, और लड़की के पापा इज प्लेड बाय प्रमीत सेठी। बट जब जो लड़का है वो अपने डैड से अपना लव कन्फेस करता है तो यार उसके डैड इतने कूल रहते हैं कि अपने बेटे का रिश्ता लेके लड़की के घर पहुंच जाते हैं। भगवान सबको ऐसे डैड दे यार, इतने अंडरस्टैंडिंग, इतने कूल डैड, इट्स सो ऑसम टू सी दैट ऑन द स्क्रीन। और फिर उसके बाद जब वो उनके घर जाते हैं तो वहां पे लड़की के जो डैड है और लड़की का के जो डैड का असिस्टेंट है जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी का लीडर टाइप का है और उसे टिकट मिलने वाला है और अब वो इलेक्शन में जीतने वाला है, वो लोग उसके डैड को बहुत ही बेइज्जत करते हैं और बहुत ही जलील करते हैं, और फिर जलील होके उसके डैड को वहां से जाना पड़ता है। एंड बिलीव मी, ये जो बंदा है जो कि उसके पापा का असिस्टेंट प्ले कर रहा है, यू नो दिस गाय हैज बीन सो गुड। इस बंदे ने इस मूवी में इतना ह्यूमर डाला है, ये एक विलन का कैरेक्टर प्ले कर रहा है जिसे कोई भी सीरियसली नहीं लेता, यू नो, एक विलन जो कि अपने आप को सीरियसली लेता है पर उसे ऑडियंस और जो मूवी के जो कैरेक्टर्स हैं वो उसे सीरियसली नहीं लेते, और उसको देख के भले वो अपने साइड से वो विलन पोर्ट्रे कर रहा है बट उसको देख के आपको हंसी आएगी। एंड बिलीव मी, दिस गाय वॉज डिड द बेस्ट बिकॉज ये गाय, इस बंदे ने बहुत ज्यादा एंटरटेन किया है इस मूवी में, और भले ही इसका रोल छोटा था बट इसका रोल जितना था वो उतना ही ठीक था और बहुत ही ऑसम था। मतलब ही इज द वन ऑफ द फनीएस्ट एलिमेंट्स इन द मूवी। और फिर उसके बाद जब इसके जो लैला के जो पापा हैं वो इसको मजनू के पापा को जलील करके जब वहां से भेज देते हैं तो ये अपने ही असिस्टेंट से लैला की शादी करा देते हैं। और कुछ ऐसा और क्या कहते हैं इसके, मुझे तो लगता है इस पूरी मूवी में विलन कोई और नहीं, लैला के पापा थे। मजनू का पापा तो बहुत ही कूल था, अपने बेटे के लिए रिश्ता लेके चला गया, बट लैला का पापा अपनी ही ईगो प्राइड में था और उसे यही नहीं दिख रहा था कि वो अपनी बच्ची का जिंदगी बर्बाद कर रहा है, यू नो, उसे सिर्फ अपने ईगो और प्राइड की पड़ी हुई थी। और माइंड इट, इस मूवी में थोड़ा बहुत विमेन के अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस भी दिखाया गया है, लाइक लैला के घर पे उसे, यू नो, सो वो देख के शायद कुछ लोग सेंसिटिव हो सकते हैं बट
मुझे नहीं पता, हो सकता है इट्स जस्ट द पार्ट ऑफ द कैरेक्टर जो इस मूवी में दिखाया गया है। सो फिर लैला की लाइफ जो होती है वो काफी हेल हो जाती है, क्योंकि वो इस बंदे से, अपने डैड के असिस्टेंट वाले बंदे से शादी कर लेती है और 4 साल बीत जाते हैं और जो हमारा मजनू है वो लंदन चला जाता है। सो इंटरमिशन के बाद दिखाते हैं कि मजनू जो है वो वापस आ गया है जगह पे, क्योंकि उसके पिताजी अब नहीं रहे, तो वो वापस आया है वहां पे उस जगह पे, और क्या कहते हैं वहां पे वो अपने लैंड जो उसकी वसीयत होती है और वो सब होती है वो सब वो अपना निपटा रहा है काम। और वहीं पे उसे लैला भी दिख रही है और लैला उसे कहीं कैफे आफे में दिख रही है। फिर उसके बाद इन दोनों में मुलाकात स्टार्ट होती है, बट फिर कुछ दिन बाद जो हमारा ये फनी कैरेक्टर है इसका जनाजा निकल जाता है और फिर उसके बाद लैला और मजनू एक दूसरे को डेट करना स्टार्ट ही कर रहे होते हैं, मिल रहे होते हैं, कि तभी लैला के पापा फिर से बीच में आ जाते हैं और बोलते हैं कि 1 महीना रुक जाओ और फिर उसके बाद तुम लोग ऑफिशियली टुगेदर हो जाना। बट मजनू जो है वो 1 महीना या कह लो मजनू इंतजार इंतजार करते करते लाइक वो पागल हो जाता है, एकदम साइको हो जाता है एंड एकदम नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाता है। सो इंतजार करते करते वो फिर पहाड़ियों साइड निकल जाता है, वहां पे उस थोड़ा सुकून पाता है और वहां पे वो उसकी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी नेक्स्ट लेवल की हो जाती है। प्यार तो वो लैला से करता है बट इतनी दूरियां हैं, इतना इंतजार है कि वो लैला को विजुअलाइज करने लगता है और इमेजिन करने लगता है और आसपास के लोग उसको पागल समझने लगते हैं और उसे मारने पीटने स्टार्ट कर देते हैं, यू नो। सो ये सारी चीज़ें होती है और फिर उसे वापस लाया जाता है और जब लैला देखती है कि जो उसका जो लवर है वो एकदम साइको हो गया है, क्रेजी हो गया है, मेनियक हो गया है, तो उसको देख के लैला भी बहुत दुख होती है और लैला को बहुत ज़्यादा इमोशनल ब्रेकडाउन होता है और ये सदमा लैला सह नहीं कर पाती है, क्योंकि वो एक डायलॉग में बोल रही है कि अब वो उस पार निकल गया, अब वो उस पार चला गया, अब मुझे भी उस पार जाना है। सो ये कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है एंड फिर उसके बाद क्या कहते हैं लैला का इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है और लैला भी अपनी जान त्याग देती है और उसको देख के मजनू भी एकदम पागल हो जाता है और वो भी उसकी ग्रेव के पास उसको चोट लग जाती है दौड़ते टाइम और वो भी वहीं पे गिर के मर जाता है और वहीं पे मूवी खत्म हो जाती है। सो ये मूवी, और फिर उसके बाद जब वो दोनों मर जाते हैं तो वो दोनों स्वर्ग में मिलते हैं और वहां पे उनकी प्रेम कहानी अमर हो जाती है। सबसे पहली बात, इस मूवी में सबसे बढ़िया जिसने काम किया है वो है अविनाश तिवारी। फ्रॉम बींग अ कूल डूड टू बींग अ सैड एंड डिप्रेस्ड गाय, जिसके लाइफ में इतनी चीजें प्रॉब्लम चल रही है, उसके पिता का इश्यूज हैं और उसके गर्लफ्रेंड के साथ उसके इश्यूज हैं, सो फिर वो लोनली डिप्रेस्ड हो गया है और द मूवी का जो लास्ट हाफ है जिसमें वो एकदम पागल साइको क्रेजी मेनियक प्यार में बर्बाद हो चुका है, वो रोल उसने प्ले किया। आई थिंक दिस गाय डिजर्व्स मच मोर मूवीज, मच मोर रिकॉग्निशन, मच मोर गुड रोल, बिकॉज ही इज द सेविंग ग्रेस। और मैंने इनका काम बहुत ज्यादा नहीं देखा है, मुझे पता है ये बुलबुल में है और मैं बुलबुल इस मूवी के बाद बुलबुल जरूर चेकआउट करूंगा, क्योंकि बुलबुल में ये दोनों ही लीड्स हैं, हीरो हीरोइन दोनों हैं। और जो हीरोइन है उसने भी एज अ लैला का जो रोल है उसमें एज अ रिबेलियस गर्ल उसने भी अच्छा काम किया है, बट अविनाश तिवारी एज मजनू वॉज द बेस्ट इन दिस मूवी। आई एम सो थैंकफुल दैट आई गॉट टू सी हिम एंड आई गॉट टू नो मोर अबाउट हिम ऑन विकीपीडिया एंड इंटरनेट एंड आई रियली विश हिम मोर कि मैं उन्हें और अच्छी मूवीज में देखूँ। और अपार्ट फ्रॉम दैट इस मूवी का म्यूजिक वॉज ऑसम। 3 गाने जो स्टैंड आउट करते हैं वो है हाफिज हाफिज, आहिस्ता आहिस्ता और लैला ओ लैला। दीज सॉन्ग्स आर सो ऑसम, डेफिनेटली यू हैव टू चेक दिस आउट। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। थैंक यू गाइज, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव एंड Happy Diwali!